नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तो सचिन दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर जो आईपीएल के 31 मैच बचे हुए थे आखिर अब वो कहां होने वाले हैं और बीसीसीआई क्या कुछ प्लान कर रहा है, आईसीसी की किस तरीके से वो हेल्प करने वाला है, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर ये सारे जो मैचेज हैं बीसीसीआई की तरफ से प्लान किया गया कि सारे मैचेज यानी कि जो 31 मैच बचे हुए हैं आईपीएल के वो अब यूएई में खेले जाएंगे। तीन शहर अगर हम बात करें तो दुबई, इसके साथ ही साथ अबू धाबी और एक और जगह जहां पर शारजहां, ये तीन वो जगह हैं जहां पर ये मैचेस हो सकते हैं। इसकी लगातार पूरी प्लानिंग हो रही है, लेकिन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली की तरफ से भी लगातार ये जिक्र किया जा रहा है कि अगर केसेस नहीं बढ़ेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि मैचेस यहाँ पर हों। लेकिन फिलहाल सौरभ गांगुली और तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार यूएई गए थे, उन्होंने दौरा भी किया है, उन्होंने जांच पड़ताल भी की है कि आखिर जो मैचेस यहाँ पर होंगे क्या वो सुरक्षित हो पाएंगे या नहीं। महामारी की वजह से ही ये सारा प्लान जो है वो यहाँ पर फेल हुआ और इसी वजह से ये पूरे मैचेस जो हैं वो यूएई में रखने की बात कही जा रही है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है तो इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है, 18 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप मैच होना है और उसके लिए भारत में लगातार तैयारियां चल रही थी। ऐसे तीन स्टेडियम थे जहां पर ये मैचेस होने वाले थे, लेकिन फिलहाल इसे भी स्थगित करने की बात सामने आ रही है। कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि अगर महामारी के दौर में केसेस बढ़े तो मैचेस को स्थगित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल एक ऑप्शन यहां पर ये बचता है कि दुबई में सारे मैचेस जो हैं वो हो सकते हैं। और यही प्लानिंग लगातार बीसीसीआई की तरफ से की जा रही है कि अगर वहां पर आईपीएल हम सही तरीके से करते हैं तो आने वाले वक्त में 18 अक्टूबर से जो T20 वर्ल्ड कप मैचेस होने वाले हैं वो भी वहां पर हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन एक ये भी रखा गया है कि तीन में से जो दो स्टेडियम है उसमें तैयारी की जाएगी, एक स्टेडियम को छोड़ दिया जाएगा जहां पर ये मैच नहीं होगा। अगर पिछले सीजन की बात करें आईपीएल की तो उस वक्त जो सारे मैचेस हुए थे वो दुबई में ही हुए थे और ऐसे में सारे जो टीम के प्लेयर्स हैं जो टीम्स थी वो दुबई में रुकी हुई थी, लेकिन दो ऐसी टीम थी जो कि अबू धाबी में रुकी थी, वो थी केकेआर और मुंबई इंडियंस। तो लगातार प्लानिंग हो रही है कि आखिर क्या कोशिश की जाए कि कोई भी संक्रमित ना हो और पूरे अच्छे तरीके से पूरे मैचेस जो हैं वो यूएई में हो सकें। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर बीसीसीआई की तरफ से जो प्लानिंग की जा रही है वो कितनी अच्छी है और कितनी खराब। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।